अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, केटीएन न्यूज़ में भली कार माहिया सबाबड़ो आई माहिया ज़ुबैर खोड़ो हेडलाइंस हमारे टीम बुलेटिन की शुरुआत में हमसा खबर शेयर कंदासी। सिंधा कोर्ट पारा क्यामाड़ी में मुबैना ज़हरीली गैस पकड़जण सबब फौत थियलन जे लाशन जो पोस्टमार्टम कराण आए वाके जो केस दाखिल कर जो हुक्म दिनो वयो आहे। बिल्कुल नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ में कंदासी। सिंधा कोर्ट पारा क्यामाड़ी में मुबैना ज़हरीली गैस पकड़जण सबब फौत थियलन जे लाशन जो पोस्टमार्टम कराने ई वाक्य जो केस दाखिल करने जो हुक्म दिनो वयो आहे। वाक्य जी जांच सेनेटर सीनियर पुलिस ऑफिसर का कराने जी हिदायत पण कई वई आहे। अपडेट के उपया वाके खबर जे हवाले सां सरकार जे फरियाद ते केस दाखिल थियण घुर्जे। हा आईजी साहब, तव्हां जे हूंदे अहिड़े मयार जी जांच थी रही आहे, वकील पारां चयो वियो। जॾहिं त अदालत खे आगाही ॾिनी वई त वाके बाद इलाइक़े में फैक्ट्री खे सील कयो वियो हो, पर डीसी ॿीहर खोलराए छॾी। बिल्कुल नासीन, ब्रेकिंग न्यूज़ मां कंदासीं। सिंध हाई कोर्ट पारां क्यामाड़ी में मुबैना ज़हरीली गैस पकड़जण सबब फौत थियलनि जे लाशनि जो पोस्टमार्टम कराइण ऐं वाक्य जो केस दाखिल करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। जॾहिं त वाक्य जी जांच सीनियर पुलिस ऑफिसर खां कराइण जी हिदायत पिण कई वई आहे। पोस्टमार्टम न कराइण ते चीफ जस्टिस पारां जांच ऑफिसर ते कावड़ जो इज़हार पिण कयो वियो आहे। इन हवाले सां लाइन ते मौजूदु आहे कराची मां आज़म ज़ोराणी। जी आज़म, छा तफ़सील आहे? जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में डिवीजन बेंच कराची के क्यामाड़ी वाले इलाके में सनती जो कारखाना कायम कर जहरीली गैस सबब 19 मानों के फौत थियण वाले वाक्य बाबत दरख्वा केस की बुधनी जी उनमें अज कई है, जैमें आई जी सिंध बया ऑफिसर जैमें डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी बया ऑफिसर अदालत में पेश थे। उन मौके से अदालत आई जी सिंध के इन वाक्य की जी केस दाखिल करने हुक्म दिनों यो केस सरकार के मुदत में दाखिल करने की हिदायत कई है। अदालत पे हुक्म में आई जी सिंध के यो भी है तो इन केस की जांच लाए सीनियर ऑफिसर के मुकर किया वे। अदालत पे हुक्म में आई जी सिंध के यह भी हिदायत की है तो जे मू इन वाक्य में फौत थे उन्होंने जो पोस्टमार्टम थे जरूरी है। इन वक्त तीको एक रुगो एक मूल जो पोस्टमार्टम थो है जो गलत है। हर एक जितरा वाक्य उनमें सो उन पोस्टमार्टम किया वे। अदालत यो भी तो जो इन केस में सहकार न करे मालूम लिखाए उनके खिलाफ जो सो कानून मुताबिक कार्रवाई की वे। अज सुबह जो अदालत केस की बुधनी शुरू कई तो उन मौके से आई जी सिंध गुलाम नबी मेमन उनका अलावा डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी मुख्तियार अबड़ो बया सीनियर ऑफिसर अदालत में पेश थे। उन मौके से अदालत आई जी सिंध का पुछन तो इन वाक्य की क्या तफसील कड़ा जैसे आई जी सिंध बुधा तो इन वक्त तीको असा जान मिली है उन मुताबिक 19 मू इन वाक्य में फौत थे जैसे तो एक मू जो है पोस्टमार्टम थो है जैसे अदालत कावड़ जो इजहार कर अदालत चो तो एक इन पोस्टमार्टम जी जरूरी कानूनी कार्रवाई होंगी है उन में रुगो एक मू जो छो जेतरा मू भी इन वाक्य में फौत थे उन्होंने पोस्टमार्टम थे खे उन मौके से अदालत पारा पुछण से उनके बुधा वो तो इन वाक्य की केस जांच जो हलदड़ है जांच ऑफिसर अदालत अडो वो भी पेश थो। अदालत उनकी कारकर्दगी से भी अदम इतमान जो इजहार कर जैसे डिप्टी कमिश्नर मदीर डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी मुख्तियार अबड़ो जो अदालत आडो अची गाल शुरू कर तो अदालत उनके रोके वरत है चो जैसे तो वारो अचे पो गल उन मौके से बाद में डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार अबड़ो अदालत के बुधा तो इन वाक्य के मानू जे मालूम दियण में सबूत दियण में जो लमाए रहा है इन चो तो इन वाक्य जो असा मुकम्मल तौर से जांच करना चाहूँ था इनमें जो मुलवस है उनके कानून के कटहरे में आने चाहूँ था वर जो उतना जो मानू हैं उसा इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर से ना दियन न वरी असा फोतन जो खबरू भी जो ना दियन उनका तफसील भी असा फराम ना कन जैसे अदालत आई जी सिंध के चो तो तवा इन केस की प्रॉपर जांच करायो जेको जेको सब कोऑपरेट नथो करे इनमें उनके खिलाफ कार्रवाई के वे। जी ठीक है, वरी मेहरबानी आसम सोरानी तफसील देने के लिए।